नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संकी शैलेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। ओके, तो आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मैं जा रहा हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मिलने के लिए, जो कि बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा था कि मैं उनसे मिलूं और उनसे कुछ बातें करूं, तो फाइनली आज मुझे मौका मिला है। तो चलिए फिर हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। माय गॉड, आज एनर्जी से मैं भरपूर हूँ। भैंचो, जब मैं बिल्डिंग में जब आ रहा था तो आते आते मैं मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया था। दिखाता हूँ मैं आपको इस फुटेज में। आप बैठिए, मैं अभी देख कर आता हूँ। जी जी। नवाज सर कब तक आएंगे? अरे क्या रे सेक्रेटरी, दरवाजा खटखटा खटखटा कर दिमाग का मां बहने कर दिया। क्या हुआ बोलना, ठीक से हगने भी नहीं देता मेरे को। अरे सर, संकी आया हुआ है, काफी देर से बैठा हुआ है आपका इंटरव्यू लेने के लिए। मेरे से बड़ा संकी कौन आ गया? अच्छा अच्छा। हाय सर। हाय हाय। अरे तू है, देखा मैंने तेरा वीडियो, अच्छा लगा मेरे को। बहुत अच्छा वीडियो बनाता है तू, बिल्कुल संकी जैसा ही वीडियो बनाता है तू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या लेगा, चाय, ठंडा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, क्या लेगा? चाय बस। अच्छा बस चाय। जी सर। ठीक है ठीक है। सिगरेटरी, वो बाहर से जरा दो चाय और सिगरेट लेके आना। संकी तू भी पिएगा सिगरेट? नहीं सर, थैंक यू सर। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सर पैसे? पैसे तेरे पास है तो लेकर आ जा, शाम में देता हूँ तेरे को मैं, ठीक है? क्या सर, दो महीने से सर अभी तनख्वाह नहीं दिया, हर बार यही कहते हैं कि शाम को देंगे। भोसड़ी के, बहुत जवान चलने लग गया तेरा, पैसे चाहिए ना तेरे को? रुक एक मिनट में देता हूँ तेरे को पैसे। संकी 20 रुपए दे। 20 रुपए? जी सर। है तो दे जल्दी, ये ले चुपचाप से लेके आ जा फटाफट। सर आपका ड्रेस कोड तो बहुत अच्छा है। अरे अच्छा अच्छा कुछ नहीं है, अंदर बैठ के मैं चिलम मार रहा था। ये जाटू चौधरी आके मेरे को बोल रहा है कि इंटरव्यू है, तो इतना भंड था मेरे को समझ में नहीं आया, पैंट पहनना ही भूल गया मैं। इधर आके देख रहा तो पैंट नहीं पहना। लेकिन सर बहुत अच्छा लग रहा है, सीरियसली। थैंक यू थैंक यू, अच्छा ही लगेगा ना ये। सर अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ पूछ ना, दिल खोल के पूछ, क्या पूछने का तेरे को, आज सब पूछ डाल, सब बताएगा मैं। तो सर आजकल आपको फिल्म नहीं मिल रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? आपका कालापन, या फिर फिल्मों में आप बहुत ज्यादा गाली गलौज करते हो, सिगरेट, गांजा वगैरह सब मारते हो, क्या वजह हो सकती है? अरे ये मादर चोर डायरेक्टर लोग सब बकवास करते हैं, कोई कुछ नहीं, सब चूतिया बनाते हैं। अगर मेरा काला ही पन वजह होता तो अजय देवगन को काम मिलता क्या? वो मेरे से कम काला है और ऊपर से गुटखा भी खाता है गपा गप। जुबा केसरी, जुबा केसरी। बहुत अच्छा। हाँ सर गुटखा खाते हुए तो मैंने भी एक दो बार देखा है। अरे मैंने उसको कितनी बार बोला दांत सड़ जाएगा तेरा, जब भी मुंह खोलता है गटर जैसा बात आता है उसका मुंह से। सर इतने पास तो मैं गया नहीं हूँ। सर सिर्फ चाय ही लेके आया, सिगरेट नहीं लेके आया मेरा। सर 20 रुपए में तो सिर्फ चाय मिलता है ना सर, लेकिन सर मैंने आपके लिए जुगाड़ कर दिया है। अच्छा बीड़ी लेकर आया हूँ। लेकर आया तो देना, दांत क्यों फाड़ रहे है? लाइटर कौन, तेरा बाप देगा? सर बीड़ी? क्यों, तेरे को कोई प्रॉब्लम है बीड़ी से? नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, बस आजकल बीड़ी पीने वाले लोगों को लड़कियां पसंद नहीं करती ना सर, इसलिए बस ऐसे पूछ रहा था, ऐसा सुनने में आया सर। तुझे पता है अगर ये बीड़ी पी के मैं सामने वाली लड़की को जाके बोल देगा कि आई वांट सेक्स विद यू, माँ कसम उद्रिच मान जाएगी वो। क्या बात है सर, आज तक हम तो सिंगल ही है अभी तक। सिंगल है? चल तेरा मिंगल करवाता हूँ मैं, टेंशन मत ले। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते सर, आपको
इंडस्ट्री में इतना फेमस होने में इतना टाइम कैसे लगे? ये जो तुम डायरेक्टर लोग है ना, इनको पहचान नहीं है। एक दोस्त है अपना अनुराग कश्यप। हाँ हाँ जानता हूँ। उसने मेरे को चांस दिया गैंगा बसेपुर में। उसके बाद तेरा ये नवाज ने बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला ले डाला है। किसी को मैंने छोड़ा माँ का सर। सुपर सर, वो तो जब हमने फिल्म देखी थी तब हमें पता चल गया था कि भाई का, दादा का, बेटा का, सबका बदला लेगा रे नवाज। क्या बात है, तू भी डायलॉग बोलने लग गया। तेरे को भी अगली फिल्म में साइन करता हूँ, टेंशन मत ले। सर थैंक यू सो मच। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल आप जो भी फिल्में करते हो इतने सारे बोल्ड सीन होते हैं, बहुत सारे बोल्ड सीन होते हैं, खतरनाक वाले? हाँ तो मर दूं यार, करूंगा ये बोल्ड सीन। वो तो ठीक है, अगर मेरे को मिलेगा तो मैं भी करूंगा, बट आपकी बीबी आपसे कुछ नहीं कहती। हाँ कहती है ना, एक दिन तो बोरिया बिस्तरा बांध के घर से बाहर ही निकल रही थी। मैं दरवाजे के सामने जाके लेट गया, बोल रहा कि अगर जाना ही है तो मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ सर? फिर क्या, मान गई ना? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर हमें निकलना पड़ेगा जल्दी, नहीं तो बरसोवा का भंडारा बंद हो जाएगा। अरे हाँ यार, अरे संकी, मेरे को निकलना पड़ेगा, आज भंडारा है ना। जी जी। तो एक टाइम का खाना उधर मस्त मिलता है, तेरे को भी चलना है तो चल साथ में। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। सर हाँ पूछना, क्या हुआ बोलना। नहीं मतलब आप बुरा मत मानना, एक बात पूछना। अरे कुछ बिंदास पूछ, कोई दिक्कत नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ मुझे सर लग रहा है। हाँ बोलना बोलना, कब से बोलना बोलना कर रहा है, बोलना। मुझे सर लग रहा है कि आप डुप्लीकेट हो। डुप्लीकेट दिखता है मैं तेरे को? नहीं सर, सर घोसड़ी के कान में छतरी डाल के खोलेगा ना, फिर तेरे को पता चलेगा। ए बंद करो ये इंटरव्यू, कुछ नहीं होगा दे। चलो अब बकवास है। अरे सेक्रेटरी, 20 रुपए इसके मुंह पे मार देना। जब पता था डुप्लीकेट है तो मदर इंटरव्यू के लिए क्यों आए? फिर मैं वेस्ट हो गया। क्या हुआ, बंद कर रहे? फिर से डुप्लीकेट बोला तू मेरे को? फिर से डुप्लीकेट बोला तू?